और इसी के साथ पश्चिमी यूपी में चुनावी रैलियों का शोर थम चुका है। आज डोर टू डोर कैंपेन, तो कल होगा मतदान। 11 जिलों की 58 सीटों पर कल यानी कि 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। तो जाटलैंड में दो लड़कों की जोड़ी वर्सेस भगवा टोली, कौन कमाल दिखाता है ये देखना होगा। कल का दिन बेहद अहम, पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश यहां पर तमाम दलों की तरफ से की गई है। अब फाइनल परीक्षा का दिन कल, 11 जिलों की 58 सीटों पर कल वोटिंग होनी है और देखना होगा कि यहां जनता किसके पक्ष में नजर आती है। जाटलैंड की जंग में चंद घंटे बाकी, पश्चिम की जंग में कौन बनेगा पराक्रमी? गर्मी वाली बोली वर्सेस ठंडा करने वाली टोली, 58 सीट का युद्ध, जनता किसके विरुद्ध? आज की रात अंतिम होगी, आज की रात ही हार और जीत के बीच बाकी है। वेस्टर्न यूपी की 58 सीट पर आखिरी सियासी समर बाकी है। जाटलैंड में जनता को रिझाने की रैलियों से कोशिश हुई, डोर टू डोर जाकर आला नेताओं ने लोगों से वोट देने की अपील की। पश्चिमी यूपी के जाटों पर इस बार सारा दारोमदार टिक गया है। अखिलेश और जयंत के गठबंधन से सियासत पलटने का दावा हो रहा है, तो दूसरी तरफ से जाटों का साथ इस बार भी मिलने का इरादा दिखाया जा रहा है। एक तरफ से धमकाया जा रहा है कि गर्मी दिखा देंगे, तो दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि गर्मी शांत कर देंगे। माहौल तो बहुत अच्छा है और ये ठंडे मत होना, गर्म रखना। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ही पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। एक तरफ से दंगों का दर्द भूलने की बात कही गई, कहा गया कि दंगों की बात के बजाय भाईचारे की बात करनी चाहिए। कहा गया कि विरोधियों को भाईचारे से डर लग रहा है, जबकि दूसरी तरफ से कहा गया कि दंगे करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। हम भाईचारा जिंदाबाद बोलते हैं, उन्हें साफ सुन जाता है सामने वाले, गांव में नहीं घुस सकते अगर लड़के खड़े होकर कहते हैं भाईचारा जिंदाबाद, उन्हें समझ नहीं आता क्या बोले। मुजफ्फरनगर का दंगा सत्ता के संरक्षण में हुआ था और कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति उन दंगों को न भूल सकता है। अखिलेश और जयंत को भरोसा है कि किसान आंदोलन के बाद बने सियासी समीकरण में वो बीजेपी के किले को ध्वस्त कर देंगे, जबकि बीजेपी को भरोसा है कि वो दो लड़कों की जोड़ी का तिलिस्म तोड़कर फिर विजय पताका फहराएगी। क्या काम है, ये तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं। ये बिहार में गए, लालू प्रसाद के परिवार को तोड़ा, ये उत्तर प्रदेश में गए, मुलायम के परिवार को तोड़ा, ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाया। 12 से 17 ये तो था अखिलेश, क्या किया था उसने? कुछ नहीं किया और ना आगे कुछ करेगा, ये चुनावी मेंढक है आप ये कह सकते हैं। लेकिन मुस्लिम वोट में सेंध लगाने ओवैसी भी मैदान में है, इसीलिए खेल दिलचस्प है। फैसला 10 फरवरी को होना है और 10 मार्च के नतीजे को बताना है कि पश्चिम किसे बाहुबली बनाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।